गुड आफ्टरनून एंड आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ लाइक आफ्टर 10-12 डेज के बाद, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे मेरे जो वीडियोज़ हैं वो सारे यूजुअली ऐसे सिट आउट वीडियोज़ ही ज़्यादा आ रहे हैं, बिकॉज मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी. इसलिए मैं काफ़ी सारे जो ब्रांड कोलेब्रेशन है वो भी अलाउ कर रही थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि बैठ करके वीडियो बनाना होता है आपको, और सिट आउट वीडियोज़ ज़्यादा कर रही थी इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो. एंड आज मैं व्लॉग कर रही हूँ. आपको मेरी आवाज़ से शायद थोड़ा समझ में आ जाएगा दैट आई हैव हल्का सा कफ इनसाइड मी. मतलब मुझे ना तो रनी नोज़ है ना ही मेरी जो नोज़ है वो ब्लॉक्ड है, बट मुझे अंदर कफ है और जिसकी वजह से मेरी नाक हल्की सी वैसी हो रही है. तो आज तो काफ़ी बेटर है, मैं स्टीम वगैरह ले रही हूँ उससे काफ़ी नॉर्मल हो गई है, और आयुर्वेदिक एक टैबलेट है वो ले रही हूँ उससे काफ़ी बेटर है. मुझे सर भारी नहीं हो रहा है मेरा, अदरवाइज मुझे जो है मेरा हेडेक होता है. एंड आज मैं क्या करने वाली हूँ, कैन यू सी दिस, ये जो आप कवर्स देख रहे हो ना, ये मेरी मम्मी ने देखो अंदर वाइट कवर अलग बिछा हुआ है, उसके ऊपर ये बिछा दिया है ताकि वो जो वाइट कवर है वो गंदा ना हो. और ये वाले जो कवर्स हैं ये कितने साल पुराने हैं मम्मी बताओ, कितने साल पुराने? कम से कम 8 साल, 8 साल पुराने. इनकी हालत ख़राब हो गई है तो अभी मैं वही चेंज करें पूरे घर में. देख सी दिस, एंड ये यहाँ पर पूरा मेरा एक्चुअली फैलाना पड़ा हुआ है. और एक और चीज़ बताती हूँ, एक हिट हमारे साथ क्या हुई है. मैंने मिंत्रा से एक सामान ऑर्डर किया था तो उसकी जगह, मतलब वो सामान साइज़ का इशू नहीं आया है, वो सामान ही कुछ और ही भेज दिया है, भलता ही कुछ सामान हमको भेज दिया है. मैंने एक कुर्ती ऑर्डर करी थी जो आप जीन्स के ऊपर नहीं लूज लूज पैटर्न की कुर्ती पहन सकते हो, वो ऑर्डर किया था, और मुझे उन्होंने सूट भेज दिया है वो भी डबल एक्सेल साइज़ का. अब मैंने रिटर्न पिकअप है वो ऑर्डर प्लेस कर दिया, रिटर्न पिकअप जब वो पिकअप करने के लिए आया तो उनके पास एक पिक्चर होती है, वो पिक्चर से ये मैच नहीं हुआ. मैंने उनको बताया कि ये भाई आप लोगों ने ही गलत मेरे को भेज दिया है, तो बोलते नहीं नहीं इसके लिए अब आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक और प्रोसेस होगा, तो अब वो मिंत्रा कस्टमर केयर को कॉल करना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप जो इतने सारे क्लोथिंग हॉल बना रहे हो या आप कहाँ, मतलब इतने कपड़े क्यों लिए जा रहे हैं, और आप मिनिमलिज्म को फॉलो, आपको पसंद है मिनिमलिज्म करना, बट हाँ मुझे वो पूरा प्रोसेस पसंद है और मुझे मिनिमलिज्म काफ़ी अच्छा लगता है. दूसरा चीज़ ये है कि ऑब्वियसली ये मेरा जॉब है, मुझे आई गेट पेड विद दीज ब्रांड कोलेबरेशंस. तो क्या होता है ना, मैं यूजुअली बहुत डिक्लटर करती रहती हूँ, सब कुछ मैं नहीं रखती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं जिनको ज़रूरत होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ. दूसरा एक और क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि आपके पास जो भी क्लोथिंग्स है पुराने वो आप अपने सब्सक्राइबर्स को कम प्राइस में सेल करना स्टार्ट कर दो एक पेज बना करके. वो मुझसे नहीं होने वाला है. मैं कभी भी कपड़ों को, मैंने कभी भी अपने कपड़े, और मैं कभी कर भी नहीं सकती हूँ कि उनको मैं सेल करूँ, जो मेरे पहने हुए कपड़े हैं, भले ही एक बार पहने हैं मैंने, भले ही दो बार पहने, बट उसको मैं ऐसे सेल नहीं कर सकती कि आप उसको कम पैसों में खरीद लो. मैं रैदर देन दिस मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ. उससे भी मैं क्या अभी इतनी मनी माइंडेड मैं नहीं हो सकती कि मैं उसमें से भी पैसा कमाने का सोचूं कि जो मेरे कपड़े मैंने एक बार या दो बार पहने, नहीं, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ. काफ़ी सारे मेरे ही आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद नीड है इन चीज़ों की या रिक्वायरमेंट होती है, मैं उनको दे देती हूँ अपने टॉप्स वगैरह में. ऑर्फनेज में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ काफ़ी सारा, जब लॉट जमा हो जाता है तो वैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ. और अभी पकड़ पकड़ कम करते हैं और यहाँ का जो ये चेंज करना है वो चेंज करते हैं. ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट यू नो 1 or 2 मोर मेकओवर, वो अभी बताऊंगी नहीं कि कहाँ के, बट यू कैन एक्सपेक्ट दैट एज वेल सुपर सून मैं करने वाली हूँ. सो यस, मैं आपको देती हूँ. जो मैंने मीशो से अपने लिए बेडशीट ऑर्डर करी थी ना, ये वाली, ये बेडशीट, हाँ, तो ये जो बेडशीट है ये एक वॉश में ना मम्मी वॉश भी नहीं किया है. हाँ वॉश भी नहीं किया है, उससे पहले ही छन गई है ये, मतलब बिछाने से ही 2 दिन या 3 दिन बिछाई होगी और बीच में से उसमें से क्रैक्स आ गए हैं. तो क्वालिटी तो बहुत ही, 800 रुपये की बेडशीट थी, है 700-800 रुपये की बेडशीट थी, कोई सस्ती नहीं थी, तो उस हिसाब से क्वालिटी वॉज नॉट अप टू द मार्क. क्या कर रही हूँ, जो भी मेरा सामान है, जो लास्ट मंथ का मेरा जितना भी सामान आया है उस सबको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, और जो बिल्कुल ही पुरानी चीजें हैं उसको हटा रही हूँ. मेरे पास रिसेंटली ना कुछ काफी सारे पीआर प्रोडक्ट्स आए हैं, 2 टी-शर्ट्स आई हैं और काफी कुछ चीजें आई हैं, एंड उस पीआर में मुझे एक ये सूट रिसीव हुआ है. इतना ब्यूटिफुल सूट है ये, और जब मैंने इसको पहन करके देखा इट वॉज लाइक परफेक्टली, जैसे होता है ना
ऑल्दो मेरे लिए बना है, मतलब इतना परफेक्ट और इतना ब्यूटीफुल कलर. मेरे पास और भी काफी सारी चीजें आई हैं, सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैं इस बार पीआर हॉल कर दूं या फिर मैं किसी व्लॉग में इंक्लूड कर दूं. सो लेट्स सी कैसे करती हूं मैं. और ये मुझे इतना ज्यादा पसंद आया है कि जिसने मुझे ये भेजा है ना, उनसे मैंने बोला है कि आप मुझे पेड सर्विस लिया है कि मैं पे कर रही हूँ आपको, एंड आप मुझे सेम पैटर्न का सिर्फ दूसरे कलर में मैंने बनवाया है. सो दैट अभी जो फेस्टिव सीजन आने वाला है, नवरात्रे आने वाले हैं, उसके लिए मेरे पास एक पीस हो जाए वैसा. तो वो बन चुका है मेरा ऑलमोस्ट. उन्होंने शायद वहां से उसको भेज भी दिया है, मतलब आई थिंक कोरियर कर दिया है अभी, बट अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है. कल ही आई थिंक कोरियर किया है. तो जैसे ही वो आ जाएगा तो मैं इकट्ठा पूरा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी पीआर का स्टफ. एंड ये वाली मेरी अभी वॉर्डरोब है जो मैंने जिसका मेकओवर किया था, इसके अंदर ही मैं सारा सामान अपना रख रही हूँ क्योंकि तो क्या है ये ज्यादा स्पेस नहीं है इसमें, तो पुराना सामान मुझे एनी हाउ निकालना ही निकालना पड़ेगा तभी मेरा नया सामान आ पाएगा इसके अंदर. तो जितनी भी पुरानी चीजें हैं जो मेरी शादी के पहले की भी हैं वो सब मैं डीक्लटर कर रही हूँ अभी. तो वैसा जो मैंने परचेस करे हैं अभी, मतलब ये नॉट कोलैबोरेशन में नहीं, मैंने अपने खुद के पैसे से परचेस करे हैं. एक तो ये है, उसके बाद एक दो और हैं जो मैं दिखाऊंगी. बट हाँ, इनके जो कुर्ते हैं बहुत सुंदर सूट है. एक नई वेबसाइट, होम ग्रोन वेबसाइट है जिसको मैंने फिगर आउट किया है रिसेंटली, एंड क्या सूट है ये वाला, मतलब मजा आ जाएगा. मैं जब आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको बताऊंगी जरूर. पहले मैं चेक कर रही थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैंने उसका नाम सुना है, एंड फर्स्ट टाइम ये जो फेसबुक पे एड्स नहीं आते हैं वैसे मेरे पास एड्स आया था, तो फर्स्ट टाइम मैंने उसको ट्राई किया है. एंड ट्राई करने के बाद जो मजा आया इसको पहनने के बाद, मुझे पसंद है ऐसे पतले से दुपट्टा जो नहीं होता शिफॉन वाला, एंड कॉटन सूट्स मुझे पसंद आते हैं, ऐसे ही सूट्स मैं पहनती हूँ. और बट हाँ, इसका जो कुर्ता है वो लूज है. मुझे सबके कुर्ते में कुछ ना कुछ मुझे ऑल्टरेशन कराना है. फिर उसके बाद जो ये मीशो से जो दो पीसेज हैं जो मेरे फेवरेट हैं उनको भी मैं ऑल्टर कराऊंगी. इसको मैं पहनूंगी, मतलब शौक से पहनने वाली हूँ. तो ये सारी चीजें प्रिपेयर करके रख रही हूँ सो दैट नवरात्रि में मैं प्लान कर रही हूँ कि पूरे 9 दिन मैं सूट पहनूंगी, और तब आपको डेली व्लॉग मिलेगा. जो व्लॉगिंग के लिए भी मुझसे काफी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैंने सोच के रखा है कि मैं तब पूरा 9 डेज आपको 9 व्लॉग्स मिलेंगे देखने के लिए. तो वैसा जो मैं आपको उसे बता रही थी कि मेरे पास 2 और फास्ट ट्रैक के बैग्स हैं, आई थिंक 10-10 साल पुराने हैं ना, वो भी 10 साल पुराने हैं ना, 10 साल से भी ज्यादा हो सकता है. तो ये है फर्स्ट फास्ट ट्रैक का बैग, और लुक एट इट, पूरी इसकी क्वालिटी अभी तक, मतलब ये फटा नहीं है कहीं से भी, इसमें से एक थ्रेड नहीं निकला है, ये एज इट इज चल रहा है. और इतनी जिप्स है इसके अंदर, यहाँ एक जिप है, उसके बाद यहाँ एक जिप है, मतलब दोनों साइड्स में जिप है, इधर जिप है, मतलब सैकड़ों जिप है, इतनी जिप है इसके अंदर. हाँ, इतनी ज्यादा स्पेस है, मतलब इसका कुछ भी नहीं हटा है. आप सोचो इसकी ब्रांडिंग इतनी जबरदस्त होती थी कि इसका ये तक नहीं हटा है, ये एज इट इज है. इसको मैंने रगड़ा है लिटरली, मैं अपने कॉलेज, अपनी कोचिंग, हर जगह लेके जाती थी इसी को, इतना घिसा है मैंने ये. और सेकेंड ये वाला, ये मेरी मम्मी और हम दोनों ने रगड़ा है, मतलब बुरी तरह से रगड़ा है ये भी, इसका भी कुछ नहीं हुआ है. आप सोचो इनकी ब्रांडिंग्स वैसी है, कपड़ा नहीं फटा है. आई डोंट नो फास्ट ट्रैक ने बैग्स बनाना क्यों बंद कर दिए है, बट बहुत अमेजिंग क्वालिटी रहती थी इनकी, और ये 1400-1500 के अंदर के होते थे सारे. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी भयंकर सारी जिप्स हैं अभी तक. ये तो एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ, ये 1899 कुछ का था ये, बट ये वर्थ द मनी है, वर्थ एवरी सिंगल पेनी. निचोड़ दिया है इसको, बोर हो गया इससे तब जाकर के इसको साइड में किया, बट इसको रखे हुए हैं अभी भी स्टोर करके. और ये मेरा स्वेटर जो मेरी मम्मी ने बनाया था. अभी हम लोगों ने किचन के लिए कुछ मंगवाया है तो उसी को मैं अभी अनबॉक्स करने वाली हूँ. सैनिटाइज कर लिया है इसको वैसे. तो ये एक तरह का यूटिलिटी रैक है, बेसिकली ये माइक्रोवेव रैक है, बट ये मैंने माइक्रोवेव के लिए नहीं लिया है. पर हम लोगों ने जो मिक्सर ग्राइंडर होता है, फूड प्रोसेसर होता है, उसको रखने के लिए मंगवाया है, बट ये कुछ ज्यादा ही बड़ा आ गया है. इसमें ये एक और वुडन का प्लैंक है जो कि यहाँ पर नीचे लग जाएगा. तो नेल्स आई है जो कि टूटी हुई आई है, बहुत गंदी कंडीशन में नेल्स आई है, एंड इसको आप, ये जो दिख रहा है ना आपको सेकेंड वाला लेयर, इसको हम लोग ऐसे ही रख देंगे, मतलब ऐसे ही आप रख सकते हो. क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत हैवी है, तो अगर आपके प्लेटफॉर्म में अच्छी खासी जगह है
मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा होगा. मेरी मिस्टेक है कि मैंने मेजरमेंट्स नहीं देखे. मुझे लगा था कि थोड़ा नॉर्मल साइज का आएगा, बट ये बहुत बड़ा आया है. प्राइस वाइज ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, काफी अच्छा लग रहा है. अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है. वहाँ जो आगे नया घर है ना, उसमें भी काम आ जाएगा ये. आपको परचेस करना है, नॉट स्पॉन्सर्ड है. लिंक्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कर लीजिएगा. एंड ये जो इसके बुट के ऊपर की जो पॉली है वो भी निकाल नहीं रहे. मम्मी मना कर रही है कि मत निकालो, तभी ऐसे ही रखेंगे इसको. ये इतना हैवी क्वालिटी का इसमें वुड लगा हुआ है कि ये देखिए, मैं इसमें बैठ नहीं हूँ, आराम से बैठ जाओ. प्लांट्स रखने के लिए भी आप इसको मंगवा सकते हो, मतलब मल्टीपर्पज रैक है ये एक तरह से. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. आज है नेक्स्ट डे और आज अभी मैं जा रही हूँ शैम्पू करने के लिए, मतलब शावर लेने के लिए जा रही हूँ. सुबह तो मैं थोड़ा बिजी थी कुकिंग वगैरह में. एंड लुक एट माय हेयर, जो मैंने वो ट्रीटमेंट करवाया था ना अपने बालों में, आपको ये दिख रहा है डैंड्रफ? कैन यू सी दिस, कैन यू स्पॉट दिस डैंड्रफ? मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए. ठीक है, ये तो मेरे बालों में भयंकर लेवल की जो ड्राइनेस है वो बढ़ गई है. बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ रही है. वो ऐसा होता ही है, जब भी मैं इस तरह का कुछ भी ट्रीटमेंट लेती हूँ तो उसके 15-20 डेज बाद मुझे ये अब ये कंट्रोल करना पड़ेगा. मतलब आई कैन इजीली कंट्रोल इट, बट फिलहाल मुझे ये थोड़ा ठीक करना पड़ेगा. हाई गाइस, आई जस्ट डिड माई शैम्पू और मैंने अपने बालों को एयर ड्राई किया है. फ्लो ड्राई थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ गई. ये जो अंदर अंदर की जो स्कैल्प है, ये अब मुझे काफ़ी बेटर एंड क्लीन दिख रही है. नहीं तो बहुत ज़्यादा भर गया था मेरे पूरा स्कैल्प जो है वो पूरा डैंड्रफ से भर गया था. तो आई यूज़ दिस मामाअर्थ का अनियन शैम्पू विद अनियन एंड प्लांट केराटिन. पहले भी मैं इसके बारे में काफ़ी सारी बार बता चुकी हूँ. सो बेसिकली ये करता क्या है, तो इसके अंदर अनियन सीड ऑयल मिला हुआ है, डीप पैंथेनॉल मिला हुआ है, प्लांट केराटिन एंड विटामिन ई मिला हुआ है. क्योंकि इसमें अनियन सीड ऑयल मिला हुआ है तो जो इची स्कैल्प हो जाती है, ड्राई स्कैल्प हो जाती है, उसको ये ठीक करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है. डीप पैंथेनॉल मिला हुआ है तो वो मॉइस्चराइज करता है आपकी स्कैल्प को. एंड इसके अंदर प्लांट केराटिन मिला हुआ है, मॉइस्चर बैलेंस मेंटेन करता है आपके बालों का, नेचुरल स्मूथनेस एंड शाइन प्रोवाइड करता है. सो ऑल्दो आई हैव अ ट्रीटेड हेयर, बट तो आप इतना डिफरेंस बता नहीं सकते हो, बट हाँ डैंड्रफ का मैं आपको बता सकती हूँ बिफोर आफ्टर कैसा हो गया है. तो अगर आपके बाल ड्राई हैं, डैमेज्ड हैं, केमिकली ट्रीटेड हैं और कलर्ड हेयर है, सारे तरह के बालों पे इसको आप यूज कर सकते हो. उसके बाद जो मेरे पास एक और ऑप्शन है वो है ये भृंग आंवला शैम्पू बाय मामा अर्थ. इसके अंदर मिला हुआ है भृंगराज, आंवला, शिकाकाई और भ्रामी. डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, डैंड्रफ को आपके बालों से हटाता है, ड्राई स्कैल्प को रिड्यूस करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है. एंड दिस इज ऑल्सो सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप. तो ये मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट्स हैं, ये पैराबेन SLS फ्री होते हैं. हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं वो इनके अंदर नहीं होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के थ्रू बनते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. इस शैम्पू के अंदर ऑयल मिला हुआ है जो कि शीरपाक विधि से तैयार किया गया है. मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट्स हैं सब सर्टिफाइड बाय पेटा है एज अ क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट. टैग वोकल फॉर लोकल ब्रांड. मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट्स हैं ये सब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होते हैं. दैट इज वन रीजन दैट आई लव टू प्रमोट मामाअर्थ. स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको मिलता है 20% ऑफ एट mamaearth.in की वेबसाइट पर. मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट्स हैं ये सब नायका, mamaearth.in एंड Amazon पर अवेलेबल है. तो इफ यू वॉन्ट टू बाई एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट. अभी मैं जा रही हूँ अपना जो है एडिटिंग वगैरह कंप्लीट करने के लिए एंड थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ. हाय गाइस, तो अभी हो रही है शाम एंड मैं आज कुकिंग करने वाली हूँ क्योंकि मम्मी इज नॉट वेल. ये रही मम्मी. बताओ मम्मी क्या हुआ आपको, डल डल दिख रही है ना? अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के जल्दी ठीक हो जाएगी. थोड़ा कुछ हुआ नहीं है, हल्का हल्का सा फीवरिश लग रहा है ना. 99 फीवर है, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा फीवरिश लग रहा है. सो सेफर साइड प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि कुछ है तो नहीं वैसे तो, बट स्टिल थोड़ा सा भी डर लगता है. तो 3 दिन के लिए प्रिकॉशनरी बेसिस पे वो थोड़ा दवाई ववाई लेंगी, काढ़ा वाड़ा पियेंगी एंड ऑल. मैं कर रही हूँ शाम की कुकिंग. लोग खाने वाले हैं खिचड़ी. आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ. तो मुंबई में तो यूजुअली जब मैं रहती हूँ तो खिचड़ी जो है वो विक्की बनाता है. मैगी, खिचड़ी और 2-3 और ऐसी चीज़ें, पोहा वगैरह, ये उसकी ड्यूटी होती है. बाकी चीज़ें मैं बनाती हूँ, बट अभी मैं खिचड़ी बना रही हूँ. सो ये अभी टेम्परेचर ले रही है, कितना है? 98.1. ठीक है, फीवर नहीं है. तो यहाँ पर जो मैं खिचड़ी या पुलाव आप जो भी बोल सकते हो वो बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने थोड़े से पोटैटोज़ एंड अनियन चॉप कर लिए हैं. प्रिपरेशंस कर रही हूँ मैं पहले. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कुकर और उसमें डाला हुआ है घी. ये सब घर का बना हुआ घी है. इसमें डाली है थोड़ी सी राई, जीरा और थोड़ी सी हींग. यहाँ पर मैंने अनियंस को ऐड कर दिए हैं. जब अनियंस का कलर चेंज हो जाएगा, लाइक थोड़े से जब ये ब्राउनिश टाइप के हो जाएंगे, तब फिर मैं यहाँ पर डालूंगी मसाला ऐड करूंगी. तो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है
धनिया पाउडर, हल्दी एंड मिर्ची, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं पोटैटोज। उसके बाद मैं ये जो चावल और दाल है सोक किया हुआ था इसको इसमें डाल दूंगी, थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी और कुकर लगा दूंगी और हमारी जो खिचड़ी है वो बन के रेडी हो जाएगी। Hey guys, so I'm done with everything और आज का जो vlog है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। I also bought one amazing piece of furniture जो कि मैं कल के vlog में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो चेक ज़रूर करिएगा। बहुत सस्ता मिला है मुझे, अच्छे खासे सेल प्राइस पे मिला है। एंड आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।